78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडू भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा समेत विधानसभा के आला अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरों, शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को याद किया। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, भारत वर्ष ने 77 वर्ष पूर्ण किए हैं अपनी स्वतंत्रता के और 78वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। आकलन का समय तो रहता ही है, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने सैनिक भाइयों को, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली और आज जिन भाइयों की वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पा रहे हैं। तो मैं सभी को नमन करती हूं और सभी का आभार व्यक्त करती हूं।